सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अभी जस्ट लौटी हूँ अपनी एरोबिक क्लास से। एरोबिक क्लास ना जाऊँ तो बस दिल नहीं लगता मेरा। एरोबिक क्लास मैं कल नहीं गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, कल मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी फील हो रही थी। हुआ ये कि मॉर्निंग में मैं 5:30 उठती हूँ कशिश के लिए, क्योंकि आपको पता है कशिश स्कूल जाती है। तो मैं एज़ यूजल 5:30 उठी कल मॉर्निंग में, और मैंने सारा सामान निकाल के रखा भी, और मैं कशिश के रूम में गई और बोली, कशिश स्कूल नहीं जाना तुम्हें? कशिश बोलती है, मामा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा एग्जाम्स फिर से स्टार्ट होने वाले हैं तो मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं आज छुट्टी ले रही हूँ। मैंने कहा ये बात तुम मुझे कल बता देती तो ज़्यादा बेहतर रहता, कम से कम मैं थोड़ा देर सो ही जाती, क्योंकि मेरी जो क्लास होती है वो 7 o'clock के थोड़ा बाद होती है और मैं 5:30 उठ गई थी। तो कशिश बोलती है मुझे, मामा कोई बात नहीं, अब आप जाकर सो जाओ। मैंने उसको बोला, मैं अब कैसे सो जाऊँ, मुझे तो 7 o'clock के बाद वहाँ जाना होता है। मैं नहीं सो रही, मैंने गर्म पानी बनाया और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर उसमें डाला और सिप बाई सिप मैं पीने बैठ गई, और ऐसे ही स्क्रॉल करती रही अपने मोबाइल में। आपको मालूम ही होगा, जब हम एक बार मोबाइल स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर इंस्टाग्राम पर गई, फिर यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह पढ़े आप लोगों के, तो ये सब चेक करते करते मुझे ऐसे ही हो गए थे अपना 6:40 के करीब। और मैं जाकर मैंने सोचा 10 मिनट की थोड़ा सा ना ऐसे अपने आप को बॉडी को स्ट्रेच कर लेती हूँ, तो मैं जाकर ब्लैंकेट में घुस गई और ऐसे ही मैं ब्लैंकेट में पड़ी हुई थी। और थोड़ी देर बाद मेरी आँख लग गई और मैं नींद में अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रही हूँ। अपने व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बना हुआ है, जब हम जो भी लोग हम जाते हैं अपनी सोसाइटी से एरोबिक क्लास, तो मैं वहाँ पर मैसेज कर रही हूँ, आई एम फीलिंग लेजी सो आई एम नॉट गोइंग टुडे। ओ माय गॉड, मैंने मतलब 5:30 पर उठने के बाद भी मैं अपनी क्लास नहीं गई कल इतना बुरा हुआ। फिर पूरा दिन मैं सोचती रही मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं एक दिन भी अगर मैं क्लास मिस कर देती हूँ मुझे पूरा दिन ये महसूस होता रहता है मैं आज क्लास क्यों नहीं गई। तो आज मैंने मॉर्निंग में पूरा मन बना रखा था कि आज तो क्लास ज़रूर जाना है। उसके पीछे एक और रीज़न है कल ना क्लास जाने के पीछे, इतनी ज़्यादा ठंडी होने लगी है यार, यहाँ पे दिल्ली में बहुत ठंड पड़ने लगी है। मतलब 2 दिन हो गए कल और आज भी बहुत ठंडा है, बल्कि कल से ज़्यादा आज ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर आप बाहर निकलते हो तो आपकी जो उंगलियाँ हैं वो थोड़ी सी जमने लगी हैं, और उसकी वजह से मुझे हल्का सा कोल्ड और कफ भी हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो उससे बॉडी जो है वार्म हो जाती है, और वार्म होने से जो है ये सब चीज़ें जो है कम होती है, ऐसा मुझे फील होता है। फिर मैं हम लोग वो भी खा रहे हैं ना आजकल मॉर्निंग टाइम में, बादाम, अंजीर और किशमिश, तो इन चीज़ों से मैं रात पर सोख करके रखती हूँ या मॉर्निंग में खाती हूँ, या फिर रात में सोने से पहले दूध के साथ खाते हैं, तो उससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो जितनी भी ये कोल्ड कफ वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जो विंटर में आपको जल्दी पकड़ लेती हैं, उससे आप बचे रहते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसे भी आप खा सकते हो, जिससे आप विंटर की जो ये जो सर्दियाँ पड़ रही हैं उनसे बच सकते हो। तो आज के ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। मैंने ये पनीर के क्यूब्स कट कर लिए, उसके साथ है कैप्सिकम, और इनको बस मैं हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी और इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और थोड़ा सा नमक, और यही मेरा होने वाला है आज का ब्रेकफास्ट। आज नो ब्रेड, तो मैं इसे हल्के से बटर में फ्राई कर रही हूँ। आप इसकी जगह, ये तो बटर पूरा वैसा वाला है, आप इसमें लो फैट वाला बटर आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे बहुत हल्का सा सॉटे करने के लिए चाहिए, तो बस इतना सा यूज़ करूँगी, इतना सा। और आज भी कशिश घर पर ही है क्योंकि वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है। इस टाइम उसके काफ़ी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और फिर उसे प्रिपरेशन के भी टाइम चाहिए होता है, फिर से उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने उसके लिए ब्रेड बटर बनाया, उसको देकर आती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना रह गया था और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देती हूँ, और इसमें एक अंजीर है, बाकी कुछ बादाम है और किशमिश है। तो मैं जिसमें अंजीर सोख करके रखती हूँ वो पानी जो होता है उसे भी मैं पी लेती हूँ, इसे फेंकना नहीं है क्योंकि ये भी बहुत यूज़फुल होता है। ये अंजीर मैं कशिश को देने जा रही हूँ, और उसके कहते हैं किशमिश और बादाम भी मैं उसको अभी देकर आती हूँ।
सब्जी लेकर आई हूँ, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स। एक्चुअली वेडनेसडे को जहाँ मैं गई थी वहाँ पर उस स्टोर पर फ्रेश सब्जियाँ आती हैं और ख़ास तौर से ग्रीन वेजिटेबल, और मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए थी तो मैंने सोचा होकर आती हूँ। साथ में मुझे वो ब्रश भी लेना था जो जिसकी बात मैं कल कर रही थी, तो मैंने ब्रश फाइनली ले लिया है अपनी मन पसंदीदा मन पसंद का। तो ये थोड़ा सा बिगर है साइज़ में, आप देख सकते हो। तो होपफुली मैं आप पेंट करूँगी अभी, आज का पता नहीं, हो सकता है तो आज भी कर लूँ, लेकिन धूप आज ज़्यादा अच्छी निकली हुई नहीं है। धूप निकली होती है ना तो बालकनी में बैठ के काम करने में ना मज़ा आता है। देखते हैं कैसी रहता है। लंच जो है मॉर्निंग में एक सब्जी ऑलरेडी बनाई हुई थी और अभी बस दाल बनानी बाकी है, तो लंच भी रेडी हो जाएगा। कशिश घर पर ही है आज, तो वो और मैं लंच करेंगे। कशिश क्या कर रही थी? पढ़ाई करी? हाँ। शावर तो ले लो, शावर नहीं लिया तुमने अभी तक? भूख लग रही है। पहले खाना खाओगी? जिस दिन हम लोग पेंट करने वाले हैं, इतने दिनों का सोच सोच के सनी भी हो गया। हाँ, आज सनी डे भी हो गया है, अभी अभी हुआ है जस्ट। सुबह से तो बिल्कुल क्लाउडी हो रहा था, और दिसंबर और जनवरी की ठंडी है दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पड़ती है। मेरे सारे कलर्स वाह। और कशिश को भी अपने पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेना था, तो इन सब ये सब जब आप ऐसी एक्टिविटीज करते हो ना तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी होता है, और क्या है कि आपका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाता है। पहले तो ये वाला मैंने इसको बोला कि तुम कुछ मोबाइल में देखने की बजाय आधा पौन घंटा मेरे साथ मिलकर ये करा लो, तो काम नहीं वाला होगा। पॉट नीचे दिखा दो मम्मी। सबसे पहले ये वाला होगा। हाँ। इसे किसी चीज पर रखो कश। तो ये जो पेंट है वो आज से स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन इतने सारे गमलों पर आज हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी दिन सैटरडे या संडे में भी मिलके करेंगे इसे ख़त्म, जिस दिन प्रशांत होंगे तो वो भी इस एक्टिविटी में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फैमिली एक्टिविटी हम कर रहे हैं। कलर हाँ करते हैं। इसको मैंने ना क्या किया, गमले के नीचे जो ट्रे नहीं होती है उसी को यूज़ करी हूँ। और ये बाय द वे एक्रेलिक पेंट है, इसके बारे में मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ बात करी थी। कौन सा कलर करें मम्मी? ये वाला नहीं, ये तो अच्छा नहीं। ये वाला येलो, ये बहुत प्यारा कलर। चलो कर लो तुम्हारी मर्जी। सबसे पहला कलर हम ये यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं खोल लूँगी, कितना सुंदर कलर है ये। चलो इसे यूज़ करते हैं। कशिश खाली पेंट ही नहीं करेंगे, हम लोग कुछ डिज़ाइन भी बनाएंगे। हाँ तो अभी तो कलर कर रहे हैं ना, पहले कलर कर लेते हैं। और मुझे ना कोल्ड हो गया है। डैडी का छोटा ब्रश भी काम आ गया। बड़ा वाला तो मुझे भी करना। इससे किनारी बहुत अच्छी हो जाएंगी छोटे ब्रश से। वैसे बेकार में मैंने उन पर गुस्सा किया, अब मुझे लग रहा है कि इससे किनारी हो जाएंगी इससे। कौन सा कलर लगाओगी बताओ? येलो के साथ क्या सूट करेगा? रेड। रेड रेड दिखाओ। रेड वो है, बड़ा स्पार्कलिंग रेड है ये, शाइनी सा रेड है। Do say how far you wanna go, baby. I can tell it's just for show. Every line designed to let me know. भी हम
हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर डिजाइन देने वाले हैं पोल्का डॉट का, है ना। तुम्हें और क्या क्या आता है बनाना? अभी और देख लेंगे, टाइस बना सकते हैं। वो वाला करते हैं। ओके, थोड़ा साफ कर ले इसको। हाँ कर। अब हम करेंगे ये वाला कलर, ये है स्काई ब्लू कलर। ये बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है मुझे देखने में, तो लुक्स लाइक अ गुड कलर। ये अनओपन पैकेज है। बेज कलर है। हाँ बट मुझे लगता है पास्टल है तो थोड़ा अच्छा। कशिश की चॉइस है कि हम लोग ये वाला कलर यूज करें। अभी इससे पहले ना हम लोग मड पर कर रहे थे पेंट। हाँ। तो मड वाला जो जिस पर हम पेंट कर रहे थे मड वाले पे, वो बहुत जल्दी ड्राई हो गया, लेकिन ये ड्राई होने में बहुत टाइम लगा रहा है। अभी तक ड्राई नहीं हुआ ना, तो आई थिंक वन डे लग जाएगा। आई थिंक इस पर हम सेकेंड लेयर भी करेंगे मे बी, क्योंकि हाँ ये फर्स्ट लेयर में इतना अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे लगता है कि इसे एक लेयर और करनी पड़ेगी हमें। फाइनली मेरे सारे गमले पेंट हो जाएंगे ना, ये अच्छा लग रहा है ना, और सब डिजाइन हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी बालकनी शेयर करूंगी कि कैसी लग रही है। फिर अभी ये ग्लिटर पेन यूज कर रही है, ग्लिटर पेन नहीं है ये लिक्विड एम्ब्रॉयडरी है, और ये डार्क कलर में है। जो फ्लावर्स हैं इसमें स्माइली है। स्माइली बना हुआ है, तो इस तरीके से इनकी आईज आप निकाल सकते हो, तो ये और भी सुंदर लगेंगे। अभी हम लोगों ने सिल्वर वाले चारों तरफ लगा लिए हैं, और अभी हम लोग कुछ ब्लू लगाने वाले हैं। कशी जैसे कि ये बड़ा है तो उसके साथ छोटा पेयर करो, तो यही है ना, और जो छोटा है उसके साथ बड़ा पेयर करो। इस तरीके से हम लोगों ने इसके चारों तरफ फ्लावर्स लगाए। कशिश घुमाना जरा, तो ये काफी प्रीटी लग रहा है। इवनिंग गाइस, बहुत देर बाद मिल रही हूँ, और बहुत मोटी सी जैकेट पहनी हुई है मैंने इस टाइम, अंदर इतना मोटा वाला फर लगा हुआ है। और अभी जो मैं मॉर्निंग में वेजिटेबल्स लेकर आई थी, क्योंकि वो सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसीलिए मैंने मेरी जो हाउस हेल्पर है उन्होंने सारी वेजिटेबल्स काट दी है। ये मूली लेकर आई थी तो मूली को उन्होंने बारीक चॉप कर दिया है, वो इससे करना पसंद करती है, बहुत जल्दी जल्दी काट देती है। मेरे से तो इतना जल्दी हो भी नहीं पाएगा, चाकू से काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको ना बॉयल करके रख लूँगी, तो जब भी मेरा दिल चाहेगा मैं इसे बना सकती हूँ। जब बॉयल करी हुई सब्जी होती है तो मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना हमारे पास, तो फटाफट से बन जाती है। और पालक भी उन्होंने सारा बीन कर रख दिया, इसे भी मैं बॉयल करके रख दूंगी फ्रीज में, तो जब दिल चाहेगा तब बना लूंगी। तो यही सब मैं अभी करने वाली हूँ, और अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट। You're afraid to hold my hand, trying to understand. What if this doesn't go as planned?